एक बार फिर से स्वागत है आपका सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। यहाँ आपको मिलते रहेंगे टॉप थ्री न्यूज़ अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। शुरू करते हैं पहला अपडेट्स जो है MG ZS EV। हम सब जानते हैं कि 27 जैन को प्रॉपर लॉन्च होना है, बाकी सब क्लैरिटी है, प्राइस का ही पेंडिंग है। लेकिन उससे पहले जो नया अपडेट है कि बिल्कुल इसकी बुकिंग शुरू होने के बाद विद इन मंथ, अभी मंथ भी पूरा नहीं हुआ है, 2100 से ज़्यादा बुकिंग्स कंफर्म हुई है, मोर देन 2100 यूनिट्स। बिल्कुल काफ़ी उत्साहित है इस बात से एमजी मोटर्स, और उसी को समझते हुए जो रिशेड्यूल किया गया लॉन्च को, जहां पहले 27 जैन को होना था, वहीं अब इसको 4 दिन पहले यानी कि 23 तारीख को इसी मंथ इसकी लॉन्च होगा, और उसके प्राइस, एक्चुअल प्राइस का हमें आइडिया होगा। और ये जो 21 यूनिट्स की बुकिंग है, ये 2019 में जितना कंबाइंड सेल थी, अगर महिंद्रा की बात करें एक तकरीबन 1050 यूनिट्स उनके ई वेरिटो के सेल हुए, वहीं टाटा टिगोर के तकरीबन 728-730 यूनिट्स सेल हुए, और बिल्कुल कोना मुश्किल से 300 यूनिट ही सेल कर पाए, उनके जो कंबाइंड टोटल है उससे ज़्यादा ये निकल कर आता है। तो बिल्कुल एक बिल्कुल खुशी तो होगी एमजी मोटर्स में उस बात को लेकर, तभी बिल्कुल थोड़ा एडवांस में सारा शेड्यूल उन्होंने सेटअप किया है। अब 23 तारीख को इसको लॉन्च किया जाएगा, जो भी प्राइस निकल कर आएगा बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ सबसे पहले। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें जो दोस्तों, बिल्कुल वो तो 23 को ही क्लियर होगा, बट मैं मानता हूँ कि कोना से तो एटलीस्ट कम होने वाला है प्राइस। कोना का प्राइस 23,70,000 कुछ प्राइस है, तो उससे कम 22 लाख के आसपास इसका प्राइस रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी बिल्कुल 23 तारीख को कंफर्म हो ही जाएगा। ये था आज का पहला अपडेट। दोस्तों जो करंट नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान चल रहा है 2030, उसके बारे में तो सब जानते हैं, जो भी आज की फेम स्कीम व्हाटएवर जो भी चल रहा है वो उसी के अंडर सारा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि इससे पहले भी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020 बनाया गया था, बकायदा उस पर कितना खर्चा किया जाए, कितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऐड करनी है, कितना इंफ्रा डेवलप करना है, वो सब की बात हुई थी। तो हम सब जानते हैं कि कुछ अभी से इसी 2019 से कुछ डेवलपमेंट हमें दिखनी शुरू, इससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती सरकार की तरफ से। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटर से पूछा है कि आपने जो 2012 में नेशनल ई मोबिलिटी स्कीम जो प्लान तैयार किया था 2020 का, उसका क्या हुआ, उस पर रिपोर्ट दे दीजिए नेक्स्ट 4 वीक्स में, एक मंथ में उस पर कितना काम हुआ उस पर रिपोर्ट सेंटर को देनी पड़ेगी। और एक पटिशन दायर की गई थी, एक एनजीओ है सेंटर फॉर पिल PIL, उनके द्वारा याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये जवाब मांगे हैं। सेंटर का कहना है कि बिल्कुल इसके अलावा एक और हाल में रिपोर्ट आई थी WEB यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, उनका कहना कि बिल्कुल जो भारत में क्षमता है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट बनने के लिए, 10 स्टेट्स में उन्होंने सर्वे किया था जिनमें से मेन थी आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली एक्सेट्रा, तो उस रिपोर्ट को भी सामने रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है सेंटर ने, जो कुछ जवाब मांगे उनमें से कुछ जो मेन 3 पॉइंट ये थे कि 2020 प्लान के अंदर आपको 14,000 करोड़ इन्वेस्ट करने थे, आपने अभी तक सिर्फ 600 करोड़ ही खर्च किए हैं, उसका क्या रीजन है, क्यों इतना कम खर्चा किया गया है। सेकंड, बाय दिस 2020 प्लान 7 मिलियन यानी कि 70 लाख ईवी ऑन रोड आने चाहिए थे, आपने भी अक्वायर करने थे काफ़ी, जो इनकी एजेंसी है EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, उसने 5 लाख इलेक्ट्रिकल प्रोक्योर करने थे, उसका क्या हुआ। और जो हाल में ही अंडर फेम 1 स्कीम जो इन्होंने 10,000 ऑर्डर दिया था इलेक्ट्रिकल कार्स का टाटा टिगोर और महिंद्रा वेरिटो को, उसको भी कम करके 3000 यूनिट्स पर ले आए हैं, उसका क्या रीज़न है, ये सब कम क्यों किया जा रहा है, क्या सरकार सिर्फ ये प्लान्स बनाती है उसको फॉलो नहीं करती अपने ही बनाए गए सिस्टम को, इस पर जवाब मांगा है 4 हफ्तों बाद। बिल्कुल दोस्तों, कोई जैसे ही कोई इसका आंसर आएगा सरकार की तरफ से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। वैसे ज़रूरी है इस तरह से पूछताछ होती रहे, चाहे वो कोई भी हो, एनजीओ हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और, जब तक ये सब जरूरी रहता है, जब तक आप उस चीज़ को छेड़ोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो कुछ आगे निकल कर नहीं आता है। उम्मीद है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही निकल कर आएगा, बाकी अंडर फेम टू काफ़ी कुछ हो रहा है, पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ, बट बात यह है कि जो पहले प्लान किया गया था उसका क्या हुआ, जब उस पर काम नहीं किया गया, या जो अब प्लान चल रहा है अगर उस पर भी लास्ट प्लान की तरह काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा, लोग तो ऐसे ही एयर पोल्यूशन की वजह से मरते रहेंगे। ये था आज का सेकंड अपडेट। या तीसरा और लास्ट अपडेट है टेस्ला की तरफ से, एक्चुअली 2 अपडेट हैं।
पहला अपडेट है कि हम सब जानते हैं कि जो सेकंड प्लांट था टेस्ला का शंघाई चाइना में, वहां पर मॉडल 3 की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, जिससे बिल्कुल 16,300 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल हुई है इनकी। टोटल अब तक 42,715 इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला चाइना में सेल कर चुका है, जो कि 2018 की बात करें तो के मुकाबले 2019 में 160% इनकी सेल ज़्यादा हुई है, जिसमें जो नए मॉडल बनकर निकले हैं उसकी सेल भी इंक्लूड है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। और बिल्कुल अगले साल, इस साल 2020 में तो ये अमाउंट और भी, ये नंबर्स और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। सेकेंड अपडेट है कि हम सब जानते हैं कि एक डिज़ाइन सेंटर नया सेटअप किया है चाइना में टेस्ला ने, जिसमें मॉडल वाई बेस्ड एक हैचबैक, उससे साइज में छोटी एक मॉडल तैयार किया गया है, और ये ग्लोबल मॉडल रहेगा। मींस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज़्यादा कम प्राइस का ये मॉडल होने वाला है। जब ग्लोबल की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि मे बी अगर चाइना से इंडिया में इसको असेंबलिंग करके या किसी भी वे से यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। अदरवाइज टेस्ला का कोई प्लानिंग नहीं है इंडिया में प्लांट लगाने की। अब जो भी होगा टेस्ला चाइना के थ्रू इंडिया में सेटअप करेगा। बिल्कुल अगर यहाँ हो सकता है किसी लोकल, जैसे बीच में निकल कर आया था कि अशोक लेलैंड के साथ मिलकर ये यहाँ पर असेंबलिंग करेंगे, बट बाद में अशोक लेलैंड ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। हो सकता है इन फ्यूचर में किसी और कंपनी के साथ ऐसा निकल कर आए और उनका इंफ्रा जो ऑलरेडी वहाँ पर सेटअप है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर असेंबलिंग की जाए टेस्ला के जो अफोर्डेबल मॉडल्स रहेंगे, मॉडल 3 या जो बिल्कुल नया मॉडल ग्लोबल इन्होंने रेडी किया है। बिल्कुल कोई नया अपडेट निकल कर आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।